आज मैं आपको ये क्वेश्चन 21 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी, और 21 का मैं आपको ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना इसको मैं आज सॉल्व करूंगी। और ये जो क्वेश्चन 21 है मैंने लिया है क्लास 10th की मैथमेटिक्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, पेज नंबर है 2.35 और ये लेबल 2 टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ फिफ्थ तक की मैंने वीडियोस बना दी हैं, ठीक है, जिसमें थर्ड और ये फोर्थ है ये दोनों इजी है तो इसकी मैंने एक ही वीडियो में बना दी है, सॉल्व कर दिया है। बाकी फर्स्ट, सेकंड और ये फिफ्थ जो बच रहा है इसका अलग अलग वीडियोस मैंने डाल दिया, आप देख लीजिएगा। आज मैं ये लास्ट वाला जो है इसको सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। बच्चा क्या हमारा ये वाला और सिक्स और ये सेवन, तो इसकी मैं अलग वीडियोस आपको बना के दिखा दूंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवेलुएट। हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और अल्फा बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोज हैं, हमें यहाँ पर देन इवेलुएट करना है, इवेलुएट करना है ये सब, यानी इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अल्फा माइनस बीटा की इसकी वैल्यू क्या होगी, किस टर्म में होगी, ए बी सी के टर्म में यहाँ पर इसका आंसर आएगा। इवेलुएट करने का मतलब इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी जो कि ए बी सी के टर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में हमारा जो नंबर रियल नंबर जो दिया है ना वो वेरिएबल के टर्म में है, ए बी और सी इस तरीके से दिया हुआ, तो इसका आंसर भी ए बी सी में ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्यों कहा जाता है, आप देखिएगा जिस इक्वेशन में एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहा जाता है। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में यहाँ पर एक्स की पावर क्या है 1 है, यहाँ पर एक्स की पावर क्या है 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो जहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 नजर आए उसको डिग्री 2 भी कहा जाता है। तो डिग्री हाईएस्ट पावर है 2 तो डिग्री इसका कितना डिग्री हुआ, डिग्री 2 हुआ, तो जो भी डिग्री 2 के रहते हैं इक्वेशन उनको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहा जाता है, और जिसका जितना डिग्री होता है उसका उतना ही जीरोस होता है। अगर डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 होंगे, तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है डिग्री 2 का है तो देखिए 2 जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। और अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल होता तो वहाँ पर हाईएस्ट पावर एक्स की 3 होती तो वहां पर 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये अल्फा बीटा ये क्या है, इसको जीरोस क्यों नाम दिया गया, अल्फा बीटा क्या होता है एक्स की ही वैल्यूज होती हैं, तो अगर उन अगर अल्फा और बीटा क्या एक्स की वैल्यूज है, अगर इन दो इनकी कोई वैल्यूज होंगी अल्फा एंड बीटा की वो एक्स की वैल्यूज है, इनको अगर इसमें रखेंगे ना बारी बारी से तो ये पूरा इक्वेशन जीरोस के बराबर हो जाएगा, इसलिए इन्हें जीरोस कहा जाता है। तो क्वेश्चन में अगर जब भी जीरोस जीरोस का जिक्र आए तो सीधे वहां पे आपको दो चीजें निकालनी है, पहला निकालना है सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या, ये दो जीरो है इनका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यही होगा ना अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में क्या रहता है माइनस, और यहाँ पर क्या होगा बी अपॉन ए, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या निकालते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मतलब क्या, इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा ये हुआ, और ये कैसे निकालते हैं, ये होता है सी अपॉन ए, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। तो हमें यहाँ पर क्या इवेलुएट करना है, देखिए हमें यहाँ पर ये इवेलुएट करना है, ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्या है ए और ब्रैकेट में लिखा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बी, और यहाँ ब्रैकेट में अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसको हमें इवेलुएट करना है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसका पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना, तो एलसीएम चलिए लेते हैं इसका, ये क्या दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, ये ए दिया हुआ है यहाँ पर और ब्रैकेट में है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बी, और क्या दिया हुआ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये दिया हुआ है, इसी को हमें इवेलुएट करना है। तो पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ, हमने यहाँ ए लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर इस तरीके से आप एलसीएम लीजिए। तो देखिए नीचे यहाँ एलसीएम इनका एलसीएम ले रहे हैं, तो नीचे क्या डिनोमीटर बीटा और अल्फा, तो एलसीएम नीचे क्या आएगा बीटा और अल्फा आएगा, उसके बाद ये अल्फा इस अल्फा स्क्वायर से इंटू होगा, तो ये अल्फा और अल्फा स्क्वायर में आप एक अल्फा और इंटू कर दीजिए तो क्या होगा 3 अल्फा हो जाएगा, यानी कि अल्फा अल्फा क्यूब होगा, होगा ना, प्लस अब ये है ये बीटा इसके साथ इंटू होगा तो ये बीटा स्क्वायर है, दो बीटा है और ये एक बीटा है, तो इसमें एक और बीटा इंटू कर देंगे बी स्क्वायर में, तो 3 बीटा हो जाएगा यानी कि बीटा क्यूब होगा, ये हो गया। तो इस यहाँ ए लिख दिया, इसका एलसीएम लिया तो ये आया, ठीक है, फिर प्लस अब ये बी लिखिए, उसी तरह से इसका भी एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, ये लाइन खींचिए, अब देखिए नीचे डिनोमीटर में क्या है बीटा और अल्फा है, तो एलसीएम क्या होगा बीटा अल्फा होगा। अब अल्फा और अल्फा इसको इससे इंटू करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा दो बार है, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस उसी तरह से ये बीटा और ये बीटा इंटू करेंगे तो बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर
हमें हमारे पास दो चीज का वैल्यू दिया हुआ है। एक क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, अल्फा प्लस बीटा, जिसको कि सम ऑफ द जीरो कहा जाता है, या इसको ऐसे कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा जो है किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसकी की वैल्यू है अल्फा बीटा इजकल टू सी अपॉन ए। ये है ना हमारे पास। तो ये क्यों है दिया हुआ, इसको हमने क्यों निकाला है, इसका यूज है, इसमें इसका यूज है, इसलिए यहाँ पर इसको निकाला गया, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमने इसका जब इसी को इवेल्युएट करना, तो इसको हमने और सिंप्लीफाई किया, तो हमने एलसीएम लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बीटा अल्फा दिया हुआ है, बीटा अल्फा बोलिए चाहे अल्फा इंटू बीटा बोलिए, ये भी दिया हुआ बीटा अल्फा या अल्फा बीटा बोलिए। तो देखिए यहाँ पर ये अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है ना सी अपॉन ए, तो देखिए यहाँ पर हम रख सकते हैं सी अपॉन ए, भाई आप अल्फा बीटा बोलिए चाहे आप बीटा अल्फा बोलिए, तो इसकी वैल्यू तो दी हुई है सी अपॉन ए, तो हम यहाँ पर तो रख देंगे, यहाँ पर भी रख देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमको इसकी तो वैल्यू नहीं पता है ना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की और अल्फा और ये अल्फा स्क्वायर पर, यहाँ पर क्या रखेंगे हम भाई, हमें इवेल्युएट करना, हमारा आंसर यहाँ अल्फा बीटा में नहीं आएगा, ठीक है ना, हमको ए बी सी में हमारा यहाँ आंसर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो इसकी वैल्यू तो हमें मिल जा रही है बीटा अल्फा बीटा अल्फा, चाहे अल्फा बीटा बोलिए, वो है सी अपॉन ए, ये तो हम रख देंगे क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा किसके बराबर, सी अपॉन ए, तो यहाँ पर रख देंगे। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, तो अब हमारा यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो क्या है, अल्फा क्यूब, इसको मैं अलग से लिख दे रही हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये है ना। और दूसरा क्या है, ये है अल्फा स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे समझा रही हूँ आपको, यही दो चीज़ें ना, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है ना, हाँ लेकिन हमें केवल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, माइनस बी अपॉन ए। तो अगर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होता तो हम यहाँ पर सीधे सिंपली माइनस बी अपॉन ए इसकी वैल्यू रख लेते, लेकिन ये है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये जो दो चीज़ है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं अल्फा क्यूब प्लस, ये इसी के इसका हमें फॉर्मूला बनाना होगा। तो हमारा पहला क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसका हम यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे, और इसका जो फॉर्मूला होगा, इसके फॉर्मूले में केवल दो ही चीज़ होना चाहिए, उसको फॉर्मूला इस के फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यही दोनों होना चाहिए, या तो यही रहे या तो यही रहे, इन्हीं दोनों को ले करके इसका फॉर्मूला बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम शुरू से पढ़ते हुए चले आए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला, ये सब आपने पढ़ा है, और भी बहुत से फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पर ये मेन तीन ये यूज़ होगा, और इसमें से भी केवल ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a क्यूब प्लस बी क्यूब, यही दोनों का यूज़ है इसमें। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये होता है a प्लस बी फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए ab क्या है, वेरिएबल है ना, हम इस ab की जगह कुछ भी ले सकते हैं, हम चाहे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं, m प्लस एन है इसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि ab क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, हमने ले लिया x और y, तो फॉर्मूला जस्ट यही बनेगा, बस यहाँ पर ab की जगह एक्स वाई रहेगा, और यहाँ पर ab की जगह यहाँ एम एन रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस टू एम एन प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि a प्लस बी है तो a और b ही होना चाहिए, तो वेरिएबल है, हम कुछ भी ले सकते हैं ab की जगह, r प्लस s ले सकते हैं, u प्लस v ले सकते हैं, y प्लस z ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ab की जगह। तो उसी तरह से हम अल्फा प्लस बीटा भी ले सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका भी तो फॉर्मूला बना सकते हैं, भाई अल्फा बीटा भी तो वेरिएबल है, जीरोज है ना, अब इनकी क्या वैल्यू चाहिए तो नहीं पता है ना हमें, तो अल्फा बीटा भी वेरिएबल है, तो हम ए बी की जगह अल्फा भी अल्फा बीटा भी ले सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो मैं यहाँ लिख देती हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सेम जैसे ये फॉर्मूला बना है, सिंपली यहाँ पर भी वैसे ही बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। और अगर हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला बनाना चाहें तो देखिए यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ना, जस्ट यहाँ ए बी की जगह अल्फा बीटा, तो फॉर्मूला बनाइए, तो अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होगा, बस ए बी की जगह मैंने अल्फा बीटा लिया, ये हो गया यहाँ पर। तो इस वाले क्वेश्चन में यही दो फॉर्मूले यूज होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें इसका फॉर्मूला बनाना है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसका तो सिंपल फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख ही दिया है, और ये फॉर्मूला यहीं से आया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा ना, बस यहाँ ए बी की जगह अल्फा बीटा है, तो इसका सिंपल पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस ये बीटा है, ठीक है ना, और बीटा स्क्वायर, ये हो गया।
अभी थोड़ा सा इसको और समझना, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा जैसे वैसे लिख दिया प्लस, अब ये सॉरी ब्रैकेट, ये अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये अल्फा स्क्वायर है और ये बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का साइन क्या पॉजिटिव, तो ये अल्फा स्क्वायर ये प्लस बीटा स्क्वायर इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, लिख लिया। अब ये क्या है अल्फा बीटा, इसका साइन क्या है निगेटिव, तो जस्ट इसको हम लास्ट में लिखते, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, माइनस अल्फा बीटा जस्ट हमने इनका जगह बदला है, बीटा स्क्वायर को इसके साथ कर दिया और माइनस अल्फा बीटा लास्ट में कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला ये है। अच्छा मैंने आपसे पहले ही बताया कि जो भी इसमें फॉर्मूला बनेगा उसमें केवल या तो अल्फा प्लस बीटा रहा या अल्फा बीटा रहा या दोनों रहे, तो देखिए ये अल्फा प्लस बीटा तो हमें मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा है ना, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर हम रख देंगे सिंपली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अच्छा यहाँ क्या है अल्फा बीटा, ये क्या है अल्फा बीटा है ना, इसकी भी वैल्यू डी वी सी अपॉन ए, तो हम यहाँ पर भी सी अपॉन ए वैल्यू रखेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता है ना, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब इसका इसकी जगह हम क्या रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है ना, ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ दिया है, लेकिन यहाँ हमारा आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब यहाँ पर हम फंस रहे हैं, इसकी वैल्यू तो हम रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन, यहाँ पर भी रख देंगे, दोनों की वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ से देख के रख देंगे, लेकिन इसकी वैल्यू तो नहीं है ना, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप यहाँ पर जिसका भी फॉर्मूला बनाएंगे ना उसमें केवल अल्फा प्लस बीटा रहे या अल्फा बीटा रहे, अब इसका अभी तो हमें वैल्यू चाहिए ना, इसका इसकी जगह हम कुछ रखेंगे तभी तो हमारा आंसर ए बी सी में आएगा ना, तो इसका इसका हमें फॉर्मूला बनाना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर ये टर्म देखिए आ रहा था ना, जब हमने इसका एलसीएम लिया था तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आया, फिर यहाँ पर क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमें इसका भी फॉर्मूला बनाना है, इसका तो हम बना इसका हमने बनाया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ये आया जिसके अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, तो इसका जो हम फॉर्मूला बनाएंगे तो जो भी फॉर्मूला बनेगा सीधे इसी का तो बनना है ना, इसी का ना फॉर्मूला बनाना है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखिए यहाँ पर आ रहा है ये टर्म, तो चलिए पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं, ये क्या है हमारा, हम यहाँ पर रुक जाते हैं और पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं, जो इसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर रख देंगे, तो ये क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो देखिए इसका फॉर्मूला जो भी बनेगा उसमें यही दो टर्म होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा, तो देखिए इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, यही होता है ना, तो यहाँ पर देखिए हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए हमें इस फॉर्मूले में हमें अल्फा स्क्वायर भी मिल रहा है प्लस बीटा स्क्वायर भी मिल रहा है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये है अल्फा स्क्वायर ये प्लस बीटा स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दिया प्लस टू अल्फा बीटा, इसको लास्ट में लिख दिया, तो देखिए हमें यहाँ पर ये मिल गया ना, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये इसको यहीं पे रहने दीजिए और ये प्लस टू अल्फा बीटा हम इधर साइड लेकर आते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये यहीं पर है, जस्ट ये टर्म इधर लेकर आएंगे एलएचएस साइड में, तो टू अल्फा बीटा इधर आएगा तो माइनस टू अल्फा बीटा होगा, इसका पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा इक्वल टू, और ये यहीं पर रहेगा, तो हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बना था जो कि हम इस फॉर्मूले से लेकर आए हैं, इस ये फॉर्मूला इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर आपको अल्फा स्क्वायर भी मिल रहा है प्लस बीटा स्क्वायर भी मिल रहा है, और ये फॉर्मूला हमने इसलिए भी यूज़ किया है क्योंकि हम जब यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे तो इसका जो फॉर्मूला ये बना है आप देख सकते हैं इसमें केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ गया ना यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो भी फॉर्मूला बनाया है उसमें आपको क्या दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा, देखिए यहाँ दिख है यहाँ पर, और ये क्या अल्फा बीटा ये है ना यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला मिला ये मिला, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ये आया है, यह है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, ये फॉर्मूला बन गया, और हमें यहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो इसको हमको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पर हमने यहाँ पर इसके वाले फॉर्मूले में आया था तो इसको यहाँ पर हमने निकाल दिया, ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये हमको क्या चाहिए था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू, यहाँ पर हमको इसका फॉर्मूला चाहिए था यहाँ बन गया, अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये जो फॉर्मूला ये आया है ना यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू ये क्या अल्फा प्लस बीटा यहाँ लिखिए, ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाइए बड़ा वाला, अब ये क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो इसकी जगह हम ये रखेंगे क्योंकि किसके बराबर है इसके बराबर है, तो लिखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख दिया, अब इसके इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, अब ये इसके आगे क्या माइनस अल्फा बीटा, तो यहाँ लिखते हैं माइनस अल्फा बीटा, तो देखिए हमारा यहाँ पर अब ये देखिए आगे थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट लगाइए ये क्या है अल्फा प्लस
बीटा का होल स्क्वायर। अब ये है माइनस टू अल्फा बीटा और ये है माइनस अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा में क्या है, वन है ना, वन तो सभी में इंटू रहता है, तो ये टू अल्फा बीटा है, ये वन अल्फा बीटा है, और ये माइनस 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 क्या होता है प्लस, तो टू अल्फा बीटा में एक और अल्फा बीटा जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, थ्री अल्फा बीटा होगा। अब क्योंकि दोनों में निगेटिव साइन है तो यहाँ पर निगेटिव साइन लगेगा, फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब आप यहाँ पर देखिए, हमने जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो फॉर्मूला बनाया है उसमें केवल आपको दो ही टर्म देखेगा, या तो अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा है, इधर भी अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ अल्फा बीटा है, तो इसका फॉर्मूला ऐसे ही बनाना है। जो भी अल्फा बीटा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इवेल्युएट करने के लिए, उसका जो भी फॉर्मूला बनेगा उसमें यही दो चीज़ आनी चाहिए। तो अब इजीली हम यहाँ पर यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, तो हमारा ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये देखिए क्या है, ये क्या है ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, जिसकी की वैल्यू दी है माइनस बी अपॉन ए, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, माइनस बी अपॉन ए, ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर ये ब्रैकेट लगाइए, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई माइनस, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई माइनस बी अपॉन ए। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगाइए, ये हो गया, फिर क्या माइनस थ्री अल्फा बीटा, तो थ्री लिखिए, और ये अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है देखिए सी अपॉन ए, तो यहाँ पर हम सी अपॉन ए लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये क्या है माइनस बी अपॉन ए, ऐसे ही रहेगा, फिर ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर है, सबको दो दो बार इंटू करना होगा, तो माइनस को दो बार इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अब बी को दो बार इंटू कीजिए तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया, उसी तरह से ए को दो बार इंटू करेंगे तो ए इंटू ए, ए स्क्वायर हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा थ्री में सी इंटू कीजिए तो थ्री सी, और नीचे क्या है ए है, ये हो गया, अब ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया यहाँ पर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इसका एलसीएम लेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर जो है, तो एलसीएम लेंगे तो अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए, तो देखिए ए स्क्वायर और ए है तो एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा अब ये ए स्क्वायर एलसीएम है, तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर कब आएगा वन टाइम्स, तो वन को बी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो वन इंटू बी स्क्वायर होगा, फिर माइनस, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर है तो ए में क्या इंटू करेंगे कि ए स्क्वायर आएगा, ए में हम ए इंटू करेंगे, तो ए को थ्री सी से इंटू कीजिए तो थ्री सी ए होगा, ये हो गया। तो हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई, ये हमें यहाँ देखिए हमने हमको ये इवेलुएट करना था ना, तो हमने इसका एलसीएम लिया, इसका लिया, ये आया था, फिर हमको इसकी वैल्यू तो पता थी, इसकी भी पता है, लेकिन इसका नहीं पता था ना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हमने फॉर्मूला बनाया, सब फॉर्मूला हमारा ये बना है, फिर यहाँ पर हमने वैल्यू रखा तो ये आया। तो अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की ये वैल्यू है, तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका भी हमने फॉर्मूला बना दिया, क्योंकि ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में ये टर्म आ रहा था, तो इसका हमने फॉर्मूला बनाया तो क्या आया, ये आया। तो यहाँ पर भी देखिए इसके फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, अल्फा बीटा दिख रहा है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं इसकी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इक्वल टू, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस बी अपॉन ए, तो इसकी जगह क्या रखेंगे माइनस बी अपॉन ए। अब क्योंकि होल स्क्वायर लगाया तो यहाँ होल स्क्वायर लगाइए, फिर माइनस ये है टू अल्फा बीटा, तो टू और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी अपॉन ए है, ये है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पर किया था, तो क्या आएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बी को बी इंटू बी बी स्क्वायर, और ए को भी दो बार इंटू करेंगे तो ये स्क्वायर माइनस, ये क्या है टू और ये टू सी अपॉन ए, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब इसका भी एलसीएम ले सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए यहाँ यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ ए है, तो एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर बी स्क्वायर आएगा माइनस यहाँ ए, इसमें ए इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए को इससे इंटू करेंगे तो टू सी ए आएगा। तो देखिए हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी वैल्यू आ गया, ये फॉर्मूला हमारा क्या था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये था, तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दिया तो ये आया, ये देखिए आया। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या आया है, देखिए हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की ये वैल्यू आई है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये वैल्यू आई है, देखिए ये आया। तो हम यहाँ यहाँ हम यहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है। तो देखिए ए लिखिए यहाँ पर, ए लिख दिया, अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए। अब ये क्या है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है ना ऊपर, तो इसको मैंने सब अलग से सॉल्व कर दिया, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आई है, देखिए अल्फा क्यूब ये आया है ना। तो यहाँ पर पहले मैं इसको लिख ही दूँ, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ये बीटा अल्फा है ना, तो बीटा अल्फा को हम अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, लिख दिया ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस बी, और ये क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये बीटा अल्फा, तो मैं इसकी जगह अल्फा बीटा लिख दे रही हूँ। ये हो गया, यही था ना हमारा इसका जो इवेलुएट करना था, इसका एलसीएम लेने पर ये आया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर ए लिखिए, अभी ये वाला ब्रैकेट नहीं बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ देखिए
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ना, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं ना, ये आया है ना, तो यहाँ पर लिखिए इसकी वैल्यू, केवल इसकी वैल्यू क्या है, माइनस, देखिए ये है माइनस पी अपॉन ए, फिर ब्रैकेट में क्या है बी स्क्वायर माइनस थ्री सी ए, और ये क्या है ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। देखिए ये पूरा ए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ये है, सॉरी ये है, देखिए यह है, ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, इसका एलसीएम लिया तो यह है ना, तो माइनस बी अपॉन ए, फिर बी स्क्वायर माइनस थ्री सी ए अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर हमने लिख दिया ये है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। अब ये देखिए डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड लगाइए, अब ये क्या अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी क्या है, देखिए सी अपॉन ए है ना, ये सी लिखा है सी अपॉन ए, तो यहाँ पर सी अपॉन ए लिखिए, फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एक बार और देख लीजिए, ए यहाँ पे लिख दिया और ये है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू ये है माइनस बी अपॉन ए लिख दिया, फिर क्या है ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस थ्री सी ए अपॉन ए स्क्वायर लिख दिया, अब क्या है प्लस बी है तो बी लिखिए, अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए, अब यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका भी वैल्यू हम लेकर आ गए, वो देखिए ये है, ये यहाँ पर देखिए ये, ठीक है ना, तो ये लिखे हम यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, ये लिखेंगे तो लिखिए बी स्क्वायर माइनस टू सी ए अपॉन, और ये क्या है ए स्क्वायर है, लिख दिया, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है ये, अब यहाँ नीचे डिवाइड है, डिवाइड लगाइए, और ये अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी अपॉन है, ये हो गया, और ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दीजिए, हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हम ऐसे ब्रैकेट लगाया यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए ये न्यूमरेटर में क्या है आपका, माइनस है, माइनस लिखिए, फिर बी, फिर ये क्या है बी स्क्वायर माइनस थ्री सी ए, ये है, फिर अपॉन न्यूमरेटर को एक साथ कर दें, डिनोमेटर में क्या है ए है और ए स्क्वायर है, तो इसको इंटू करें क्या करेंगे, क्या होगा, ए स्क्वायर में आप ए इंटू करेंगे तो ये ए क्यूब होगा ना, ए क्यूब होगा, ठीक है। तो इसको इसका इसमें हमने न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ लिख दिया और डिनोमेटर एक साथ कर दिया, अब यहाँ पर देखिए डिवाइड वाला साइन है, तो यहाँ डिवाइड वाला साइन लगाएंगे ना, ये ब्रैकेट थोड़ा और आगे लगना चाहिए था, ठीक है, तो ये देखिए बड़ा डिवाइड लगा दिया ये, उसके बाद क्या सी अपॉन ए लिख दिए यहाँ पर, फिर क्या प्लस बी, ये है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है ये बी, ये तो सिंपली बी स्क्वायर माइनस टू सी ए अपॉन, और ये क्या है ए स्क्वायर है, ये जैसे अब ऐसे ही ले देते हैं, और डिवाइड सी अपॉन ए, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये ए है, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगाइए, ये क्या है हमारा माइनस, ये बी है, और ये जैसे है वैसे ही लिखिए, बी स्क्वायर माइनस थ्री सी ए लिख दिया अपॉन, ये क्या है ए क्यूब है, अच्छा ये डिवाइड है ना, इस डिवाइड को जब हम इंटू करेंगे इस डिवाइड को, तो इसका रेसिप्रोकल होगा ना, हो जाएगा ना, डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी इसके नीचे रहेगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा ए अपॉन सी हो जाएगा, जस्ट उल्टा कर दीजिए, सी अपॉन ए की जगह ए अपॉन सी कर दीजिए, रेसिप्रोकल ये होगा, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस बी। अब यहाँ पर भी देखिए क्या करेंगे, ये क्या हमारा लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस टू सी ए अपॉन ए स्क्वायर है, अब यहाँ पर भी ये डिवाइड इसको इंटू करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा ए अपॉन सी होगा, हुआ ना ए अपॉन सी, ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए आगे, ये हमारा ए है और यहाँ पर ये देखिए कट सकता है, ये देखिए यहाँ पर, चलिए इसको और अच्छे समझ लेते हैं, ये ए है लिख दिया। अब देखिए पहले तो ये इसको इंटू करते हैं, यहाँ पर ये माइनस है और ये माइनस बी है ना, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस बी इससे भी इंटू होगा और ये माइनस बी इससे भी इंटू होगा, तो जब माइनस बी को बी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस पहले लगाइए, फिर बी को बी स्क्वायर में एक बी और इंटू करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा, हो गया। अब देखिए अब ये हो गया, फिर माइनस माइनस के ब्रैकेट खोलेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अच्छा अब ये बी इस थ्री सी ए से इंटू होगा तो थ्री, और ये बी इसमें इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा सी ए बी होगा, तो सी ए बी नहीं ए बी सी लिख देते हैं, हो गया ऐसे। फिर नीचे क्या है अपॉन, ये क्या है ए क्यूब है, तो ए क्यूब को हम ए इंटू ए लिख देते हैं, तीन बार लिख सकते हैं ना, इसका तो ये भी मतलब है ना, पावर थ्री तो तीन बार लिख दिया, इंटू ये क्या है ए अपॉन सी, ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये वाला जो टर्म, इसको इससे इंटू किया है ना, तो इस पूरे को ब्रैकेट में ऐसे कर लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए इसमें, ठीक है ना। फिर क्या है प्लस बी, अब यहाँ पे देखिए यहाँ ए है और यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा ए के, तो यहाँ पर ए बचेगा, तो हमारे पास क्या आ रहा है बी स्क्वायर माइनस टू सी ए अपॉन, ये ए के ए कट गया तो नीचे क्या बच रहा है ए और सी बच रहा है ना, तो ए सी यहाँ पे लिखिए, ये हो गया। अब देखिए इक्वल टू, अब देखिए ये यहाँ पर देखिए ये इसमें इंटू का साइन है, यहाँ पर तो इंटू का साइन है ना, इस पूरे में केवल इस पर ध्यान दीजिए, इस ये ए और इंटू में ये पूरा है, फिर यहाँ पर भी ये इंटू है, तो देखिए ये एक ए और एक ए कैंसिल,
और यहाँ पर भी एक है, तो ये एक ये और ये एक ये कैंसिल कैंसिल ना, तो क्या क्या बच रहा है देखिए, माइनस ऊपर क्या बच रहा है, माइनस बी क्यूब प्लस ये क्या है 3ABC अपॉन नीचे क्या बच रहा है देखिए, ये सब कट गया, एक ए बच रहा है और ए सी बच रहा है, तो ए सी बचा ना, फिर प्लस प्लस बचा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा बी है, तो ये हमारा बी है, तो और ये क्या है, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 2CA है ना, तो इसको ये ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2CA ये बी वाला लिख दिया, और ये वाला जो टर्म है इसको ब्रैकेट में अलग से लिख दिया, अपॉन नीचे क्या है ए सी है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, इसमें हमारा ये आया, अब इसको माइनस बी क्यूब प्लस ये क्या है 3ABC अपॉन और ये क्या है ए सी है प्लस, अब देखिए ये ब्रैकेट खोलेंगे तो बी से ये भी इंटू होगा, ये भी इंटू होगा, तो बी को इससे इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर में एक ए बी और इंटू करेंगे तो बी क्यूब हो गया, फिर माइनस, अब देखिए 2CA है और यहाँ पर क्या है बी है, तो बी को इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2CAB, तो हम 2ABC लिख सकते हैं ना इंटू करेंगे तो, फिर अपॉन AC ये आया हमारे पास। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखिए डिनोमीटर में AC सब सेम है तो AC ही रहेगा, तो जस्ट ऊपर वाला जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, तो ये क्या है माइनस बी क्यूब प्लस 3ABC फिर ये प्लस, क्योंकि एलसीएम नीचे में क्या AC ही रहेगा ना, सेम है ना डिनोमीटर दोनों में, तो ये माइनस बी क्यूब प्लस 3ABC प्लस और ये क्या है हमारा बी क्यूब माइनस 2ABC ऐसे ही रहेगा ना, ये हो गया यहाँ पर ठीक है। अब देखिए ये माइनस बी क्यूब है और ये प्लस बी क्यूब है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है और अपोजिट साइन है तो कट जाएगा। अब यहाँ पर 3ABC है, यहाँ माइनस 2ABC है, तो ए 3ABC और यहाँ पर भी ABC है, तो 3ABC में से 2ABC माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, ABC ही तो बचेगा ना, 3 में से 2 माइनस कर दीजिए तो क्या 1 आएगा, तो 1 नहीं लिखना है ABC, तो 3ABC में से 2ABC माइनस किया तो ABC आया और नीचे क्या AC है। अब देखिए इनके बीच में तो सब में इंटू का साइन है ना, तो ये ए कैंसिल, ये सी कैंसिल, तो क्या आ रहा बी, तो यही आंसर है। मतलब कि सोचिए कितना लेंथी क्वेश्चन रहा ये, इसको जब हम ये पूरा एवेल्युएट किया इसको, तो देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो इसी तरह किस कैसे सॉल्व करना है पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, मैं एक बार और समझा दूँ आपको कि ये जो हमें इवेल्युएट करना था ना, इसका हमको एलसीएम, इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया, तो यहाँ ये देखिए ये आया। अब हमारे पास देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू तो थी नहीं, हमारे पास तो केवल दो ही चीज़ का वैल्यू है ना, या तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया या अल्फा बीटा का दिया, तो हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला बनाया अलग से, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बना ठीक है, फिर उसका जो वैल्यू आया वो हमने यहाँ पर रखा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह और इसकी जगह रखा जो इसका वैल्यू आया ठीक है। तो पूरा सॉल्व किया मैंने, दिखा दिया है कि स्टेप ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है हमारा, इसका बी आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ठीक है।